नहीं जानता है कि नई सफर की शुरुआत अगर बप्पा के नाम के साथ हो, यानी उसका श्री गणेश हो जाए, तो वो सफर मंगलमय होता है। तो चलिए ना, नए वर्ष की शुरुआत करते हैं सिद्धि विनायक में बप्पा के दर्शन के साथ। और ये दर्शन आप और हम अकेले नहीं करने वाले हैं, हमारे साथ है सौरभ राज जैन भी। तो चलिए, बप्पा की महाआरती से लेकर उनके दर्शन तक ये सफर साथ साथ तय करते हैं। साल की पहली किरण के साथ सौरभ राज जैन पहुंच गए हैं बप्पा के दरबार, अपना साल उनके आशीर्वाद के साथ शुरू करने के लिए। और सौरभ राज जैन अपने साथ अपनी मम्मी को भी लेकर आए हैं बप्पा का आशीर्वाद दिलवाने के लिए। सौरभ राज जैन और उनकी मम्मी का सास बहू और सासिश के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था, जहाँ उन्होंने पहली बार सिद्धि विनायक की पहली आरती को महसूस किया। गणपति बप्पा मोरया, सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली बार नहीं, सिद्धि विनायक में पहले भी कई बार आ चुका हूं, लेकिन मॉर्निंग आरती मैंने फर्स्ट टाइम करी है। सो थैंक यू सो मच सास बहू एंड साजिश टीम। मम्मी फर्स्ट टाइम आई, मम्मी ने भी फर्स्ट टाइम आरती अटेंड करी, सो आई थिंक शी ऑल्सो लाइक इट। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिली और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। जो दरबार है यहाँ पे, जहाँ पे सब लोग होते हैं आरती के लिए, वो बहुत ही ऐसे राउंड सा एक दरबार है, और वहाँ पे जो भी मंत्र उच्चारण होता है तो बहुत ही अमेजिंग वाइब्रेशन क्रिएट होती है, तो वो बहुत ऐसे पीसफुल काम ऐसा फील देती है, सो इट्स रियली वेरी नाइस। बप्पा के दरबार में पहुँचते ही सौरभ राज जैन ने बप्पा से क्या मांगा, ये भी जरा सुन लीजिए। मांगा नहीं, मैं बस थैंक यू बोलने आया था कि जो भी भगवान ने दिया है, जो भी ईश्वर की कृपा रही है, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू बोलने के लिए आया था। आई रियली होप एंड विश कि SBS की जितनी टीम है, उनकी जितने भी व्यूअर्स हैं, उनकी भी विशेस पूरी हो। तो ये दर्शन कीजिए गणपति बप्पा मोरया के। आज की आरती खास ही है इसलिए क्योंकि आज साल का पहला दिन है, पहले दिन की पहली आरती है, तो खास होनी चाहिए। काफ़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो जितना हो सके लोगों को दर्शन मिले अच्छे से। सौरभ राज जैन की नए साल की शुरुआत तो बेहद खूबसूरत रही। हम उम्मीद करते हैं कि उनका पूरा साल भी इसी तरह खुशनुमा रहे, और साथ ही साथ सास बहू और साजिश के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे की रिपोर्ट। ये है ABP News, आपको रखे आगे।